सौ शहर सौ खबर। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान, 12 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच 5 चरणों में डाले जाएंगे वोट, 8 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। बिहार चुनाव की तारीखों का बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया स्वागत, बोले पहले भी त्योहारों के बीच बिहार में डाले गए हैं वोट। लालू ने भी चुनाव की तारीखों का किया स्वागत, लेकिन कहा एक ही चरण में पूरे बिहार में हो सकती थी वोटिंग। बिहार चुनाव में तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने ठोका ताल, शहरवाज हुसैन बोले सूबे को नीतीश से मुक्ति दिलाने का आ गया है वक्त। एनडीए बैठक से पहले मांझी और पासवान से अलग अलग मिले अनंत कुमार, सीटों के बंटवारे पर चर्चा के कयास। अनंत कुमार से मुलाकात के बाद बदले जीतन राम मांझी के सुर, कहा बड़े भाई की तरह है रामविलास पासवान। चुनाव का ऐलान होते ही एनडीए पर लालू का हल्ला बोल, कहा नेपाल के रास्ते जाली नोट लाकर प्रचार कर रही है बीजेपी। भोपाल में कल से शुरू हो रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया तैयारियों का जायजा। चीन को लेकर मुलायम सिंह यादव ने मोदी पर साधा निशाना, कहा लगातार मिल रही है धमकी और पीएम मिला रहे हैं हाथ। दो दिनों के दौरे पर रायबरेली में है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पंचायत भवन में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। सोनिया के कार्यक्रम में हुई एक घंटे की देरी, रेलवे क्रॉसिंग बंद होने की वजह से कांग्रेस अध्यक्षा को करना पड़ा इंतजार। बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर कैबिनेट ने लगाई मोहर। कैबिनेट ने गोल्ड बॉन्ड को दी मंजूरी, 1 से 15 साल तक के लिए किसी भी रूप में बैंक में रखा जा सकता है सोना। 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करना चाहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली, कहा ज्यादातर पार्टियों का हासिल है समर्थन। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने विभाग के ज्यादातर अफसरों को बताया भ्रष्ट, कहा उनके विभाग के ज्यादातर इंजीनियर्स को कमीशनखोरी की है आदत। मथुरा में बीजेपी की जनहुंकार रैली, यूपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। मांस पर पाबंदी को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जताई नाराजगी, बोले ठीक नहीं है सरकार का फैसला। महागठबंधन से अलग होने के फैसले को लेकर नीतीश कुमार नरम, कहा हर किसी को है फैसला लेने की आजादी। बिहार के सासाराम में रामविलास पासवान की सभा में हंगामा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने टिकट को लेकर काटा बवाल। दिल्ली के सीएम से मिलने के चक्कर में एक टीचर पर कार्रवाई, सरकार ने थमाई निलंबन की चिट्ठी। स्कूलों तक पहुंचा आंध्र प्रदेश बनाम तेलंगाना का विवाद, आंध्र प्रदेश सरकार पर किताबों से तेलंगाना का जिक्र हटाने का आरोप। दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए शुरू की कलाम स्कॉलरशिप योजना, सबसे पहले एक छात्रा को मनीष सिसोदिया ने दिया चेक। बिजली कटौती से परेशान होकर लोगों का प्रदर्शन, आवास विकास पावर हाउस के सामने जमकर किया हंगामा। दिल्ली के कस्तूरबा नगर में शराब दुकानों पर महिलाओं का हल्ला बोल, नेताओं से लेकर अधिकारियों की शिकायत। डूसू चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी दलों ने संभाली प्रचार की कमान, शिवाजी कॉलेज में पहुंचे आपके दो एमएलए, कांग्रेस के पार्षद ने भी किया प्रचार। डीजी सर की बातचीत के लिए भारत पहुंचे पाक रेंजर्स के अधिकारी, 16 सदस्यों की टीम की अगवानी कर रहे हैं उमर फारूक बुरके। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीएसएफ के डीजी ने किया पाक रेंजर्स की टीम का स्वागत, कल शुरू होगी डीजी सर की बातचीत। पाक के साथ बातचीत से पहले जम्मू के आरसपुरा में सीमा पर बसे गांव के लोगों को सिखाए जा रहे हैं प्राथमिक उपचार, पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही है फायरिंग। पाक सीमा पर गुप्त सुरंग ढूंढने वाले को अब भी नौकरी का इंतजार, 2012 में सरकार ने दिया था एसपीओ के पद पर नियुक्ति का वादा। राकेश मारिया ने डीजी होमगार्ड का संभाला कामकाज, पत्रकारों के सवालों का नहीं दिया जवाब। गुड़गांव में दो नेपाली महिलाओं के साथ रेप मामले में नया मोड़, सऊदी अरब के डिप्लोमैट पर भी आरोप। नेपाली मूल की महिलाओं से बलात्कार को लेकर हड़कंप, भारत में नेपाल के राजदूत बोले पुलिस की कार्रवाई पर नजर। राधेमा ने मुंबई के कांदीवली पुलिस स्टेशन में लगाई हाजिरी, जमानत दिए जाने के बाद हर बुधवार को पुलिस के सामने होती है पेश। दिल्ली में दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए की लूट, पुलिस की वर्दी पहनकर की लूटपाट, एक कार में गुड़गांव ले जाया जा रहा था पैसा। जोधपुर के स्कूल में 9वीं क्लास के बच्चों ने पी शराब, क्लास में नशे में झूम रहे थे छात्र। झारखंड के गढ़वा में पुलिस की दादागिरी, एक बाइक पर सवार 4 युवकों की जमकर पिटाई। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में सामने आई टीचर की बेरहमी, स्पेलिंग में गलती करने पर 3री क्लास के बच्चों की बुरी तरह से पिटाई।
पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में मोबाइल शोरूम में लाखों की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पश्चिम बंगाल के साउथ दिनाजपुर में लापरवाही के आरोप में एक नर्स गिरफ्तार, बच्चे के हाथ से पट्टी हटाते वक्त काट की मासूम की उंगली। मध्य प्रदेश में युवक की हत्या, पैर से चांदी की छड़ चुराने के लिए वारदात को दिया अंजाम। झारखंड के गढ़वा में अपहरण की वारदात के दौरान धरे गए दो अपराधी, गांव वालों ने पीट पीट कर की एक की हत्या। दिल्ली के पटेल नगर में दो बहनों ने दिखाई बहादुरी, पर्स और मोबाइल छीन कर चोर को दबोचा। बाराबंकी में एक पिता की कोर्ट से गुहार, रेप की शिकार नाबालिग बेटी को दी जाए गर्भपात की इजाजत, डॉक्टर्स की सलाह लेगी अदालत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मनचलों के खिलाफ पुलिस का अभियान, दो दिनों में पुलिस ने 14 सड़क छाप मजरूओं को पर कसा शिकंजा। गुजरात के नाडियाड में सड़क हादसा, बस और ट्रक के बीच टक्कर में चार लोगों की मौत, छह घायल। गुजरात के अमरेली में नाबालिग लड़की पर भाई की हत्या का आरोप, प्रेम संबंध पर एतराज करने का लिया बदला। कोलकाता में कोकेन के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार, 3 करोड़ बताई जा रही है कीमत, रेप पार्टीज में सप्लाई का शक। विशाखापट्टनम में एक्साइज विभाग की छापेमारी, गांजा गैंग के लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में भीड़ ने की दो बाइक चोरों की पिटाई, चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए थे दोनों। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 30 किलो गांजे के साथ दो गिरफ्तार, बिहार के सासाराम से लाया जा रहा था नशीला पदार्थ। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में लूटपाट के बाद हथियार के दम पर महिला से रेप, घर में अकेली थी पीड़ित। बेंगलुरु में 9 साल की बच्ची से मजदूरों ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर बच्ची के रिश्तेदारों पर रॉड और पत्थरों से किया हमला, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक झोला छाप डॉक्टर पर नवजात बच्चे को बेचने का आरोप, 20,000 लगाई थी कीमत। आगरा में महिला से छेड़छाड़ पर कर रहे युवकों का विरोध करना एक सिपाही को पड़ा महंगा, बीच चौराहे पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई। जयपुर में इंजीनियरिंग की छात्रा पर चाकुओं से हमला, एक तरफा प्यार में साथ में पढ़ने वाले छात्र ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के फरुखाबाद में जमीनी विवाद के चलते हत्या, मृतक अजय पाल पर दर्ज थे 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लापता ट्रांसपोर्ट कर्मचारी की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। वाराणसी के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान महिला से छेड़छाड़, आरोपी वार्ड बॉय हो गया है गिरफ्तार। जयपुर के जगतपुर में लो इंटेंसिटी टाइम बॉम्ब बरामद, पुलिस ने साजिश की आशंका से किया इनकार। मध्य प्रदेश के इंदौर में पति के घर छोड़ने से परेशान महिला ने की 2 बच्चों की हत्या, बाद में सुसाइड। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में प्राइमरी स्कूल के टीचर पर यौन शोषण का आरोप, नाराज अभिभावकों ने जमकर की पिटाई। दिल्ली मेट्रो में सक्रिय है चोरों का गैंग, महंगे गहने और ज्यादा पैसे लेकर चलने वाली महिलाओं को बनाते हैं निशाना। महाराष्ट्र के सतारा में मिला 37 साल की महिला का कंकाल, डीएनए जांच से महिला के परिवार का लगाया जा रहा है पता। बाहरी दिल्ली के अस्पताल में महिला और बच्चे की मौत के बाद बवाल, लापरवाही के आरोप से नाराज होकर हड़ताल पर गए नर्सिंग स्टाफ। शिक्षिका की हत्या के मामले में रोहतक पुलिस का खुलासा, बेटे ने ही 2 दोस्तों के साथ मिलकर किया था मां का मर्डर। असम के बोगाईगांव में रेलवे के वर्कशॉप में बड़ा हादसा, ट्रेन के कोच में एसी कंप्रेसर फटने से 4 कर्मचारी घायल। यूपी के देवरिया में मनचले की पिटाई, माफी मांगने पर भीड़ ने छोड़ा। आसनसोल में टीएमसी के विधायक सोहराब अली को 2 साल कैद की सजा, रेलवे का लोहा चुराने का गुनाह हुआ साबित। दिल्ली के शकरपुर में शिक्षक पर छात्र की पिटाई का आरोप, सर्वोदय बाल विद्यालय की घटना, आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज। हैदराबाद में किसान की खुदकुशी, बेटे की बीमारी को लेकर था परेशान। जानलेवा साबित हो रहा है इटावा का भोगनीपुर नहर, स्टंट दिखाने वाले युवकों पर नकेल कसने में नाकाम है प्रशासन। पाकिस्तान के निशाने पर है सीमा पार के जल स्रोत, सेना ने जताई चिंता, चौकस रहने की अपील। मध्य प्रदेश के उमरिया में शिकारियों का आतंक, 2 तेंदुए की लाश मिलने से बचा हड़कंप। सरकारी अनदेखी का शिकार है कई जूटों और कश्ती के खिलाड़ी, दे चुका वाराणसी का भट्टा गांव, गांव वालों ने जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दिल दहलाने वाली वह तस्वीर, 12 साल के मासूम को मां ने जंजीरों में जकड़ा। यूपी के कन्नौज में ड्यूटी के वक्त भी थाने में सोते हैं पुलिस वाले, इंसाफ के इंतजार में खड़े रहते हैं शिकायतकर्ता। सिटीजन कॉप नाम के मोबाइल ऐप से लोगों की मदद करेगी छत्तीसगढ़ पुलिस, मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया लॉन्च। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली मेट्रो की मदद ले रही है यूपी सरकार, सूबे के पर्यटक स्थलों के रंग में रंगी गई एक ट्रेन। 1965 के युद्ध के जश्न को लेकर एयरफोर्स की मैराथन यात्रा, 20 सितंबर को पहुंचेगी दिल्ली। बीएचयू के खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में
फलों और सब्जियों के छिलकों पर हो रहा है रिसर्च, कई बीमारियों की दवा बनाने की कोशिश। केरल के कोच्चि में बना ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर, विज्ञान और तकनीकी मंत्री हर्षवर्धन ने किया उद्घाटन। डेंगू के लिए किए जाने वाले रैपिड टेस्ट पर पाबंदी नहीं लगाएगी सरकार, डीजी हेल्थ ने कहा, महज 50 से 60% प्रमाणिक है टेस्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिमागी बुखार का कहर, लगातार बढ़ रही है अस्पताल में मरीजों की तादाद। केरल में जोरों पर है साइबर क्राइम के मामले, 21 साइबर पुलिस स्टेशन में 481 लोग गिरफ्तार, 2 साल में 200 करोड़ के अनुमान का है अनुमान। कर्नाटक के गुलबर्गा में पानी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, लगातार गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत कर रहे हैं लोग। मरम्मत के लिए बंद किया गया भरतपुर पीलीभीत पुल, लोगों को नदी पार करने में हो रही है परेशानी, मुंह मांगा किराया वसूल रहे नाविक। यूपी के हमीरपुर में सूखे से बेहाल हुए किसान, फसल खराब होने से नाराज होकर जिला मुख्यालय के सामने किया प्रदर्शन। धौलपुर में बारिश के लिए 2 बच्चियों ने ठानी जिद, खाना पीना छोड़कर खेतों में कर रही है तपस्या। बाढ़ में डूबा असम का करीब 80% हिस्सा, बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश में बैतूल के एक गांव में भूकंप की दहशत, 2 दिनों पहले जमीन हिलने से कई घरों में दरार। मणिपुर में तेल की कमी के चलते कालाबाजारियों की चांदी, 200 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है पेट्रोल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों की हिंदुओं के आरक्षण की मांग, यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिया ज्ञापन। जिंद के सरपंच ने दहेज के खिलाफ शुरू की सेल्फी टू स्टॉप डाउरी नाम की मुहिम, बिना दहेज शादी करने वाले दंपति होंगे सम्मानित। दिल्ली के कनॉट प्लेस में धर्मेंद्र के नाम पर खुला नया रेस्टोरेंट, धर्मेंद्र की फिल्मी थीम पर किया गया है डेकोरेशन। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में गांव के लोगों ने मोड़ी नदी की धारा, बिना सरकारी मदद के बनाई 18 किलोमीटर लंबी नहर। आगरा के फतेहाबाद में शिरोज हैंग आउट कैफे की अलग पहचान, एसिड अटैक पीड़ितों का समूह है इसका मालिक। श्रीनगर में क्रिकेट लीग का आयोजन, युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की नई पहल। रिलीज से पहले विवादों में घिरी पंजाबी फिल्म द मास्टरमाइंड ऑफ जिंदा और सुखा, फिल्म पर पाबंदी की भी उठी मांग। फिर पर्दे पर दिखाई देंगे बाबा राम रहीम, लॉन्च हुआ मैसेंजर ऑफ गॉड 2 का म्यूजिक लॉन्च।